दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जो मार्केट में सिर्फ अकेले वैसे बिजनेस करता है, उसका नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड, या आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है। उसके पैरामीटर भी देखेंगे क्यों मल्टीबैगर बन सकते हैं। देखिए, कभी भी मार्केट में कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो थोड़ा बहुत पैसा उसमें लगाना चाहिए। जैसे कि आप लोग विप्रो का यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं विप्रो के जो लॉन्ग टर्म की रिटर्न है, मैक्सिमम टाइप की रिटर्न है, लगभग 3,900% के रिटर्न है। मतलब सोच सकते हैं, जिन्होंने भी लिस्ट होने के बाद थोड़ा बहुत पैसा लगाया था तो विप्रो को मल्टीबैगर रिटर्न दे 4,000% के रिटर्न दे। देखिए, कभी भी मार्केट में कोई लिस्ट होती है ना कंपनी, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक है तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक में लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली उसके मेन बिजनेस क्या है, सबसे अलग हटके बिजनेस क्यों है रूट मोबाइल का। जो रूट मोबाइल का बिजनेस है, सबसे हटके बिजनेस से अलग बिजनेस है। जैसे कि मार्केट में ज़्यादा इनका जो बिजनेस है दूसरा कोई करता नहीं। जैसे कि इनका बिजनेस बोला जाता है क्लाउड कम्युनिकेशन। मतलब जैसे देखिए, फॉर द एग्जांपल, आपको कोई ओटीपी का मैसेज आता है बैंक से, तो क्या होता है उसके बीच वाला जो ट्रांजेक्शन का काम रहता है रूट मोबाइल करता है, बैकेंड से जो रूट मोबाइल काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अलग अलग बिजनेसेज है। जैसे कि यहाँ पर मैसेजिंग है, आइडेंटिटी सोल्यूशन है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं नीचे फायरवॉल है, वहाँ पे वॉइस है, ईमेल कम्युनिकेशन में जो भी बैकएंड से काम होता है रूट मोबाइल यहाँ पे उनको सर्विसेज देते हैं। मतलब सोच सकते हैं इनके जो क्लाइंट है बहुत बड़े बड़े, जो टेलीकॉम सेक्टर के जो भी क्लाइंट है रूट मोबाइल से वहाँ पे बैकएंड से काम करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, आपको मोबाइल से फटाक से मैसेज आता है और रूट मोबाइल के बैकएंड की तरफ से आता है, उसके क्लाउड कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये तो था इनका मेन बिजनेस, और इसमें कॉम्पिटिशन में ज़्यादा कोई है नहीं। रूट मोबाइल एक ही ऐसा बिजनेस करती है जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस बिजनेस है, और आगे जाके बिजनेस रूट मोबाइल के पास आगे बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो ये तो हो गया इनका बिजनेस मॉड्यूल। तो एक बार इसका नेट प्रॉफिट देख लेते, कितना बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे रूट मोबाइल। तो हम लोग आ गए मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो टोटल रेवेन्यू जो बिजनेस से आता है वो कितना है देख लेते। जैसे कि देख सकते हैं 2018 में था 198 करोड़, उसके बाद 2019 में हो गया 378 करोड़, उसके बाद 2020 में 425 करोड़, उसके बाद 2021 में 387 करोड़। देखिए, इनका बिजनेस ईयर टू ईयर ग्रोइंग मोड में, मतलब रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा आ रहा है बिजनेस से। देखिए, 2021 तो कोविड का था तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो रहा था इनके बिजनेस के ऊपर। ये तो हो गया इनका जब मेन रेवेन्यू बिजनेस से कितना आ रहा है। तो अपने को खर्चा भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर द एग्जाम्पल, किसका 1,000 सैलरी है और वो खर्चा 2,000 कर रही है तो क्या होगा, वो इन शॉर्ट लॉस में, क्योंकि खर्चा ज़्यादा करे। तो खर्चे देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी बिजनेस में। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कितना खर्चा कर रही है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं, मतलब टोटल खर्चा कितना किया कंपनी ने। लगभग 2018 में किया था 181 करोड़, उसके बाद 2019 में 365 करोड़, उसके बाद 2020 में 401 करोड़, 2021 में 358 करोड़। देखिए, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा उनके खर्चे भी उतने ही बढ़ेंगे, क्योंकि बिजनेस एक्सपांड करने के चक्कर में खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो नीचे जाके चेक करना पड़ेगा, टोटल जो है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस और माइनस टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट कितना बचता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड है, 2018 में प्रॉफिट हुआ था लगभग 10 करोड़ का, उसके बाद उसका जो प्रॉफिट थोड़ा घट गया 8 करोड़ का हो गया 2019 में, 2020 में लगभग 7 करोड़ का, उसके बाद 2021 में सीधा 3 गुना बढ़ गया 22 करोड़ का। मतलब सोच सकते हैं इनका जो प्रॉफिट है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोइंग मोड में। तो ऐसे कंपनी में अपने को थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। देखिए, न्यूली लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा यही रहता है कि आगे जाके वो मल्टीपैकर बन सकते हैं, क्योंकि नई नई कंपनी है होती है और जो मिड कैप रहती है उस टाइम पर। तो लार्ज कैप जैसी कंपनी बढ़ती है उसका मार्केट कैप बढ़ता है, और आगे जाके आपके जो रिटर्न से मल्टीबैगर रिटर्न बन सकते हैं। ये तो होगा इस कंपनी का ओवरव्यू। तो चलिए देख लेते हैं एग्जैक्टली अपने को कैसे इन्वेस्ट करना है इसमें। जैसे कि आप लोग अगर फॉर द एग्जांपल इसमें इन्वेस्ट करना है, तो डिस्क्लेमर देके बताना चाहूँगा, इसमें इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी लिस्टेड नई कंपनी है तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं स्टडी करने के लिए। आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा SIP मोड में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दे रहे, नेट प्रॉफिट ज़्यादा दे रहे। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना पूरा 2 लाख टॉप लेवल पर लगा के नहीं बैठना है और मल्टीबैगर बनने का इंतज़ार कभी भी नहीं करना होता, क्योंकि कोई भी कंपनी एकदम फटाक से मल्टीबैगर नहीं बनती, उसकी जर्नी से अप रहेगी, वापस से गिरेगी, वापस से ऊपर जाएगा, वापस से मार्केट क्रैश हो तो उसके साथ नीचे आएगी, वापस से ऊपर जाएगा। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक है तो उसमें धीरे धीरे करके SIP मोड में धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका खुद का स्टडी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सीधा वीडियो देख के इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करते तो आपको आगे जाके बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। खुद का स्टडी आपको आगे जाके लॉसेस से बचा सकता है। ये तो था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।